सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही होनी चाहिए हर हालत में, दैट इज सबसे पहले एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हम हरियाणा की ज्योग्राफी में, फिजियोग्राफी में भी डिस्कस कर चुके हैं। द एरिया ऑफ हरियाणा 44,212 किलोमीटर, इट इज द 21st बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, 21st बिगेस्ट। एक्चुअली तो वो स्मॉलर की तरफ चली गई, बिकॉज कुल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और हरियाणा आता है 21वें नंबर पर, सो इट इज वन ऑफ दोज स्मॉलर स्टेट्स। इसके बाद जो स्टेट्स बचती हैं वो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट्स हैं दीज आर स्मॉलर, सिक्किम, गोवा। सो देन एक्चुअल पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो आप ये प्रिज्यूम करेंगे कि हम जो भी डेटा कर रहे हैं इट इज अकॉर्डिंग टू 2011। ओके, वट एवर इज देयर इन दिस वीडियो, अनलेस टोल्ड अदरवाइज, अनलेस मैं आपको बताऊं कि उसमें किस ईयर का डेटा है, यू शुड प्रिज्यूम दैट द एंटायर डेटा इज ऑफ 2011। तो 2,53,51,462, तो करीब करीब 2.5 करोड़ जो थी वो हरियाणा की पॉपुलेशन थी 2011 में। इंपॉर्टेंट, हर एक डेटा जो आज हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डेटा को बहुत कंसाइज रखा है, बहुत कम रखा है, अदरवाइज आई कुड हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ डेटा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा इंक्लूड किया जा सकता था, इसको जितना भी कॉम्प्लिकेट कर लो, बट यू शुड स्टिक टू व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वही मैंने उतना ही डेटा आज इंक्लूड किया है। देन मेल और फीमेल्स उसमें से कितने हैं, देखिए कितनी स्क्यूड है जो सेक्स रेशियो है, अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। 1,34,00,000 या 1,35,00,000 is the population of males and 1,18,00,000 is the population of female. So you can see the gap there. So agar 2.5 crore population hai to 1,25,00,000 aur 1,25,00,000 jo hai, ideally that should have been the composition of gender, male or female mein, but actually mein it is 1,35,00,000 aur 1,18,00,000. So there is a gap of like 1,700,000. 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 1,700,000 का गैप है बिटवीन मेल एंड फीमेल, विच इज वेरी हाई, इट्स अ वेरी हाई गैप। और इससे जुड़ी एक सोशल प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा। देन टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो है 33,80,000। मेल पॉपुलेशन फ्रॉम 0 to 6 एज, यानी कि चाइल्ड मेल पॉपुलेशन, ये उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। चाइल्ड पॉपुलेशन जब हम देखते हैं तो उसकी रेलेवेंस क्या है, इट टेल्स अस कि आने वाले समय में सेक्स रेशो कैसी होने वाली है। 6 साल तक के बच्चों की अगर हम जेंडर कॉम्पोजिशन देख लें कि मेल कितने और फीमेल कितने हैं, उससे हमें पता चलता है कि आने वाले वक्त में जो सेक्स रेशो है वो इंप्रूव होगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल सेक्स रेशो हमें यहीं से पता लग रहा है कि बहुत कम होने वाली है, बिकॉज फीमेल्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू मेल्स। और अगर ये सिनेरियो आगे हमने इंप्रूव करना है तो अभी के जो बच्चे हैं वही तो आगे चलकर बड़े सिटीजन्स बनेंगे। अगर अभी के बच्चों में, 6 साल तक के बच्चों में अगर वही सेक्स रेशो उतनी ही स्क्यूड है, तो आने वाले बहुत सालों तक, कम से कम 20 से 25 सालों तक उस कॉम्पोजिशन को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चाइल्ड सेक्स रेशो को हम इसी वजह से स्टडी करते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो में देखें तो 18,00,000 जो है वो मेल पॉपुलेशन है, करीब 18,50,000, और 15,50,000 जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है, तो 3,00,000 का गैप है।